जो ताजगी दी है, मुझे विश्वास है कि आज 2017 का, हाँ 2017 आज आखिरी दिन बहुत ही आत्मा से गुजारे, नाचे गाए बजाए, बहुत ही आत्मा से आनंद से आज का समय जाया हो, ताकि पूरे दिल्ली महानगर में एक आवाज जाए कि एक ऐसी संस्था शास्त्री नगर के निवासियों की, जिसने एक ऐसे मंच को दावत दी जो आज के माहौल में जहां कनक और कामिनी से आदमी ग्रस्त है, बीमार है, ऐसे माहौल में आज के ग्रुप ने इस मंच को दावत देकर जो हमारा हौसला बढ़ाया है, उसके लिए वो समाज धन्यवाद के पात्र है। ये वो मंच है जो निस्वार्थ निःशुल्क दाता है, ये वो मंच है जो निस्वार्थ निःशुल्क समाज की सेवाएं करता है। अपने जीवन में आज 52 साल हमें हो गए सेवा करते करते, करोड़ों से करोड़ों आदमी हमने अपने आप के साथ जोड़कर हमने अपने मंच को व्यवस्था किया है। ये वो मंच है, हाँ, यहाँ गाने बजाने का बहुत ही अछूता जो समाज में एक माहौल बन गया, देने लेक ये एक माहौल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारा मंच सच्चाई में आत्मा से भजन करता है। मेरे गुरु जो अभी आए थे, हाँ जो गुरु आए थे, उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब धन खर्च करके धर्म कमाया जाता था। आज समाज में एक ऐसी गंदगी आ गई है कि धन खर्च करना तो दूर, धर्म बेच कर धर्म कमाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अजीब बात है। आज महात्मा ने जब बात कही तो हमारा दिल बहुत ही आनंदित हुआ। महात्मा ने हमारा आज चुना, हमारे आशीर्वाद दिया कि इस मंच को आशीर्वाद है कि ये मंच आने वाले 100 सालों तक भी निस्वार्थ और निःशुल्क समाज में गाता रहे। महात्मा ने बहुत ही भाव से गले लगाया, महात्मा ने बहुत ही भाव से हमारा मान सम्मान किया और कहा कि मुझे भी आज एक अचंभा हुआ कि मुझे लगा कि एक ऐसा मंच है जो निस्वार्थ और निःशुल्क गाता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, रामायण 50,000, गीता इतने रात पहले, मेरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र, मैंने हाँ जितेंद्र बंसल, मेरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र बंसल ने जब रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी तो यहाँ भी हमारा विवेक जगा कि धर्म को बेच कर जो धन कमाया जाता है ये फलीभूत होने वाला नहीं है। भजन के साथ खिलवाड़ ना हो, भजन आत्मा से गाए, बहुत आत्मा का सौदा है। मैं आपसे बार बार, हाँ एक बहुत ही खुशी की बात है मंच के लिए, ये आज का माहौल देखकर, आज के भाव से बहुत ही प्रभावित होकर आप ईश्वर साहब आएंगे। मेरे परम आदरणीय ईश्वर जी ने जो यमुना व्यास से तशरीफ फरमा है, मैं आपके साथ पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ, हर वर्ष आपके यहाँ दो प्रोग्राम बहुत ही आत्मा से होते हैं। आप बहुत ही जुड़ा और अग्रवाल समाज के हैं, यमुना व्यास से तशरीफ फरमा है बहुत ही, क्योंकि मेरे पास 4 तारीख, 11 तारीख और 18 तारीख के प्रोग्राम ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, पूरा जनवरी प्रोग्राम में ही जाएगा। तो आपने बहुत ही प्रेम से 25 फरवरी का दिन मुकर्रर किया है, 25 फरवरी को ये मंच यमुना विहार में ये आपके साथ जुड़ेगा। ये मंच 25 तारीख को, 25 फरवरी को, नोट कर ले, ये बच्चाई जो 25 फरवरी प्रोग्राम होंगे तो 25वां प्रोग्राम बहुत शुभ है, 25 का अंक तो वैसे भी शुभ है, 25वां प्रोग्राम यमुना विहार में अग्रवाल समाज के साथ जुड़कर हम करेंगे। मैं बहुत ही आदर से ईश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ, तालियों से स्वागत हो। वाकई में इस तरह की भावना बढ़ती है तो बहुत खुश।